द एंगल रे सगला दर्शका ने दीपाली माथुरी राम राम। राजस्थान री खबर में आए था आपको स्वागत है। नजर डाल से ई वक्त री मुख्य खबर पर। वैक्सीन रे प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री री फोटो पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जतायो ऐतराज, बोलिया पीएम फोटो खिंचाबा के छे शौकीन। बंगाल में आए हिंसा ने लेर प्रदेश भाजपा रो विरोध प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोलियो ईशो प्रतिशोध कठे भी कोनी देखियो। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास करी आरटीओ डीटीओ रे कर्मचारियों री तारीफ, नसीहत देर बोलिया खुद के स्वास्थ्य रे प्रति कोनी बरते लापरवाही। प्रदेश भाजपा रे प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार के मंत्री पर साधो निशाने, बोलिया राजनीति से ऊपर उठ भारत सरकार से मिल रहे सहयोग ने जनता तक पहुँचाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से लोगों ने जागरूक करबा की अपील करी छे। सीएम गहलोत ट्वीट कर बोलिया के मीडिया रा कर्मचारी अपनी जान ने जोखिम माए डाल कर लोगों ने दिन रात प्रदेश माए व्यवस्थाओं री जानकारी देवे छे। लॉकडाउन जन अनुशासन पखवाड़ा वीकेंड कर्फ्यू रा काई महत्व छे, यो बतावा माए मीडिया सक्षम छे। मीडिया लोगों ने जागरूक करे कि बिना काम के कोई घर से बाहर कोनी निकले, तभी मैं कोरोना रे संक्रमण री चैन ने तोड़ सका छे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा वैक्सीन रे प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री फोटो होबा पर ऐतराज जतायो छे। वह बोलिया के मोदी फोटो के अतरा शौकीन छे तो वहां ने राजस्थान के 2100 करोड़ वहन करना चाहिए। प्रदेश माए पूरो खर्चो राज्य सरकार उठायो छे तो प्रमाण पत्र पर मुख्यमंत्री गहलोत री फोटो होनी चाहिए। वह बोलिया के राज्य सु वैक्सीन पर GST लियो जा रहे छे, मैं इके ताई केंद्र सु बात करसी। पश्चिम बंगाल माए जारी हिंसा के विरोध माए आज भाजपा प्रदर्शन कर रही छे। राजस्थान भाजपा आज विरोध प्रदर्शन कर रही छे। भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोलिया के 5 राज्य माए चुनाव हुआ पर ई तरह को प्रतिशोध कठे भी देखबा ने कोनी मिलियो। ममता के राज माए बहन बेटिया री इज्जत तार तार हुई छे। घना सारा गांव माए आगजनी लूटपाट री घटना हुई छे। इके सागे ही कांग्रेस पर निशाना साधता पूनिया बोलिया कि यो घटना पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौन क्यों छे, ई को जवाब भाजपा मांगे। वा बोलिया के कोरोना जैसी महामारी के माए भी यो घटना मां ने सड़क पर निकलबा ने मजबूर करियो छे। मां की लड़ाई तब तक जारी रहसी जब तक ममता बनर्जी ई तरह की घटना पर लगाम कोनी लगाती। प्रदेश माए ऑक्सीजन री आपूर्ति ने लेर आज परिवहन मंत्री RTO और DTO रे सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। खाचरियावास बोलिया के सगला RTO DTO चोखो काम कर रहा छे, पर सबसे पहली आपनो ध्यान भी राखनो चाहिए। RTO DTO के कर्मचारी सु मंत्री बोलिया के वे अपने स्वास्थ्य प्रति बिल्कुल भी लापरवाही कोनी बरते और सबसे पहली वैक्सीन जरूर लगवाए और मास्क लगा राखे। VC माए परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी और RTO जयपुर राकेश शर्मा सहित कई अधिकारी जुड़िया। भाजपा रा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर पलटवार करियो छे। वा बोलिया के राजस्थान सरकार रा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सारो ठीक रो भारत सरकार पर फोड़बा रो काम करियो छे। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के मंत्री यो भी बताए कि आपने कदे भारत सरकार सु प्रधानमंत्री केयर फंड सु कतरा वेंटिलेटर उपलब्ध कराबा रो काम किया और आपने वाको काई कियो। भारत सरकार बीकानेर अजमेर जयपुर और अलवर माए भी ऑक्सीजन प्लांट लगावा रहताई जो फंड दियो छे, तो राज्य सरकार कुण से ऑक्सीजन प्लांट लगायो। रामलाल शर्मा बोलिया कि राजस्थान सरकार राजनीति बयानबाजी और भारत सरकार पर आरोप लगावा के बजाय जो सहयोग मिल रहे छे वाने जनता तक पहुँचाबा रो काम करे। राजस्थान सरकार का एक काबीना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिस तरीके के वक्तव्य जारी कर रहा है और सारा का सारा ठीकरा भारत सरकार के ऊपर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के मंत्री ये भी बताएं कि आपको कब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री केयर के फंड से कितने वेंटिलेटर आपको उपलब्ध कराने का काम किया और आपने उनका क्या किया। क्या राजस्थान के सरकार के मंत्री ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार ने आपको अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जयपुर के अंदर और अलवर के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे और उनका जो फंड दिया गया, आपने कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जिन ऑक्सीजन प्लांटों के अंदर 1600 सिलेंडर प्रतिदिन तैयार होने की उम्मीद थी आपने वो काम कर लिया। और मेडिकल का क्षेत्र का जहां तक चिकित्सा का महकमे की बात है तो चिकित्सा स्टेट का सब्जेक्ट है और राजस्थान की सरकार को ही चिकित्सा महकमे को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार जो आज सहयोग कर रही है उस सहयोग को आप ठीक तरीके से काम में नहीं ले रहे, उनको नीचे तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे और उल्टा भारत सरकार के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हो। मैं चाहूंगा कि इस कोविड की लड़ाई के अंदर हम सब मिलकर जनता को बचाने का काम करें। इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी देने से जनता की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ता संक्रमण सु चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ा गई छे। अस्पताल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन री कमी हो रही छे। इकताई भाजपा रे मुख्य प्रवक्ता और चौमूसो विधायक रामलाल शर्मा राज्य सरकार ने सुझाव दियो। वा बोलिया के प्रदेश सरकार ने अस्थमा न्यूरो और एम्बुलेंस सिलेंडर उपलब्ध कराबर ताई एक विशेष सेल रो गठन करनो चाहिए। वा बोलिया के कोरोना काल में सरकारी संसाधन कम पड़ गया छे और सरकार यो फरमान जारी कर दियो छे कि ऑक्सीजन सप्लाई रो काम सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में हो। क्या सरकार के नुमाइंदा ने यो पतो कोनी के अस्थमा सु ग्रसित व्यक्ति भी घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के आधार पर जीवित रहे छे। न्यूरो का इशा कई मरीज छे जो घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर छे। इके ताई रामलाल शर्मा सरकार सु विशेष सेल गठित करबारी मांग की ताकि अन्य मरीजा ने भी ऑक्सीजन ने लेर परेशानी कोनी होवे। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला रे बाद गुजर नेता विजय बैसला रो बयान सामने आयो छे। विजय बैसला बोलिया के महाको समाज सरकार सु अपेक्षा करे छे कि गुजरा का 5% आरक्षण निरंतर चालू रहसी, ई पर कोई आंच कोनी आसी और ई के ताई सरकार ने जो भी न्यायिक प्रक्रिया करनी पड़सी वो वा करसी। कोरोना काल माए लोगारी मदद रहताई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना आगे आयो छे। अवाना ने विधायक कोष सु 81 लाख रुपया री राशि स्वीकृत करी छे। यो राशि सु लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीना मास्क और सैनिटाइजर री खरीद होसी। या उपकरण RBM हॉस्पिटल नदबई CHC उज्जैन CHC रेताई खरीदा जासी। जयपुर के सांभरलेक ब्लॉक के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोगा सु टीकाकरण रहताई अपील करी छे। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज चौधरी और किशनगढ़ रेनवाल CHC के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RP सैपट कोरोना महामारी री दूसरी लहर माए बढ़ता संक्रमण ने देख ज्यादा सु ज्यादा लोगा सु टीकाकरण करवारो आग्रह करियो छे। चिकित्सा अधिकारी को कहनो छे कि टीकाकरण रे बाद बीमारी सु ग्रस्त होबा को खतरो कम रहवे छे। डॉक्टर राज चौधरी बोलिया कि यो बीमारी सु बचाव को पहलो उपाय टीकाकरण मास्क और सामाजिक दूरी को पालन करनो छे। इके सागे में संक्रमण के स्तर ने नियंत्रित कर सके छे। नमस्ते, मैं डॉक्टर राज चौधरी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सामने और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कोविड की जो ये लहर है बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसमें संक्रमण की दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको रोकने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। कोविड-19 बीमारी को रोकने के लिए इसके जो 3 मूल मंत्र है हैंड हाइजीन प्रॉपर मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विगत कुछ माह से जो टीकाकरण कड़ी में शामिल हुआ है वो बहुत जरूरी है। अभी तक वर्तमान में अपने देश में टोटल लगभग 16 करोड़ के आसपास लोगों ने टीकाकरण करा लिया गया है जो कि पूर्णतः सुरक्षित है। एक बार टीकाकरण होने के पश्चात इस बीमारी का उसमें होने के चांसेस कम है, अगर होएगी तो भी उसकी कम सेवरिटी वाली होगी। तो सबसे गुजारिश करूंगा कि आप टीकाकरण को अपनाएं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जहां पर टीकाकरण हो रहा है वहां जाके टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। इस लहर में और उस लहर में फर्क ये है, पिछली बार की लहर कम खतरनाक थी पर लोगों में भय था इसलिए लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। अब की बार लॉकडाउन का पालन कम कर रहे हैं, हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए बाहर निकल रहे हैं जबकि बीमारी म्यूटेशन वायरस में होने से खतरनाक रूप ले चुकी है। इसका इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, मृत्यु दर इसकी ज़्यादा है। सरकार और चिकित्सा विभाग हर संभव प्रयास कर रहे हैं लेकिन संसाधनों की कमी पड़ रही है। वर्तमान में ये हालत है कि अपने पास में जयपुर में सभी लगभग सरकारी और निजी सभी हॉस्पिटलों के बेड लगभग फुल है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दवाएँ भी पूर्णतः पूरे समुदाय को उपलब्ध नहीं करवाई जा पा रही है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इस बीमारी को रोकने के लिए बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। तो बचाव करें ताकि अपन बीमार पड़े ही नहीं, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद अब सिस्टम के संसाधन कम पड़ने लगे हैं। मैं पुनः दोहराना चाह रहा हूँ, सरकार चिकित्सा विभाग पूरा प्रयास करें लेकिन इतने बीमार हो रहे हैं, इतने केस आ रहे हैं कि सबके लिए संसाधन कम पड़ रहे हैं। तो कृपया करके घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आज लगातार दूसरा दिन तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल रे दामा माए बढ़ोतरी करी छे। आज पेट्रोल के दामा माए 18 पैसा और डीजल के दामा माए 20 पैसा की बढ़ोतरी हुई छे। अब राजधानी जयपुर माए पेट्रोल रा दाम बढ़कर 97 रुपए 12 पैसा और डीजल के दाम बढ़कर 89 रुपया 61 पैसा पहुंच गया छे। पिछला 2 दिना माए तेल कंपनियां ने पेट्रोल के दामा माए 35 पैसा और डीजल के दामा माए 41 पैसा की जोरदार बढ़ोतरी करी छे। राजस्थान में बुधवार सु आंधी और बारिश री गतिविधियां फिर सु शुरू होसी।
पश्चिमी विक्षोभ आज हरियाणा और उत्तरी राजस्थान माए पहुंच सी जिसू प्रदेश रह कई इलाका माए 3 दिन तक आंधी और बरसात होबा री संभावना छे। इके दौरान राजस्थान के कई इलाका माए हवाओं री रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर हो जासी। मौसम बदलबा सु तापमान माए भी 6 से 8 डिग्री तक गिरावट हो सके छे जिसू आबाला दिना माए प्रदेश माए हीट वेव री स्थिति भी दूर हो जासी। राजस्थान री खबर माए फिलहाल इतनो ही। राम राम।